हेलो दोस्तों, कबूल कीजिए अभिवादन अमित का यूनिक स्टार से। जैसा कि दोस्तों आप लोग तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि जो कार्य चल रहा है वह है मनरेगा का, और आपके गांव में भी ये कार्य शुरू हो गया होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ग्राम प्रधान सिर्फ मनरेगा में आंकड़े दिखा करके सारा पैसा अपने जेब में कर लेता है, तो क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ ग्राम प्रधान हैं? जी नहीं, आप और हम भी हैं, और खास करके वह वार्ड मेंबर जो अपना अधिकार नहीं जानता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे ये जानते हैं, अगर BTC फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो उसमें पढ़ाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में ये बताया जाता है कि आपका गांव चलता कैसे है ग्राम प्रधान के जरिए, आपके गांव विकास का कार्य कैसे होता है गांव में आपके, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या इसका प्रयोगशाला हमने अपने गांव को बनाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों चलिए हमारे साथ आप कोशिश करिए जानने की और आवाज़ उठाने की। नहीं उठा सकते हैं तो बताइए इस यूनिक स्टार के इस कमेंट बॉक्स में जाकर के कि कहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर चलाई जाती है। एक होती है व्यवस्था गांव स्तर पे, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक स्तर पे होता है उसको दोस्तों बोलते हैं पंचायत समिति, जो BDC के जरिए संचालित होती है। और तीसरा दोस्तों जिला परिषद, जिला स्तर पे। ये त्रिस्तरीय कार्य होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत की, तो कुछ सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं हम। इस सवालों के आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहला सवाल दोस्तों, गांव क्या होता है? ग्राम सभा क्या होती है? साथ ही साथ दोस्तों ग्राम पंचायत क्या होती है, उसका गठन कैसे होता है, और ग्राम पंचायत को चलाने के लिए कौन कौन सी समितियां और कितनी समितियां बनाई जाती हैं, और साथ ही दोस्तों कितने विषय हैं जो ग्राम से संबंधित हैं, जो ग्राम पंचायत के तहत किए जाने होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे डिटेल में इसके जानना कि क्या चीज़ें होती हैं ग्राम पंचायत और पंचायत राज व्यवस्था में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे इसके डिटेल के साथ। धन्यवाद।